गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी, जो मोशन चैप्टर का एक बेसिक कंसेप्ट से जिसके बारे में आप लोग पहले ही पढ़ के आए हैं। तो जैसा कि आप सबको ही जानते हैं, स्पीड क्या होता है, ये एक नया टर्म यहाँ पे निकल के आ रहा है जिसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस के बारे में हम जाने, उससे पहले एक छोटा सी चीज के बारे में समझते हैं। स्पीड, सबको पता है स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी ये समझिए स्पीड होती क्या है, हम आपको बताते हैं। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब कोई ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करती है उसी को हम उसका स्पीड बोलते हैं। छोटी सी बात समझने की ये है, किसी पर्टिकुलर या किसी इंटरवल में वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रही है उसी को हम उसका क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। एक एग्जांपल, अगर किसी बॉडी का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये बॉडी 10 किलोमीटर जा रही है और इसको जाने में जो लगने वाला समय है वो है पर आवर, मतलब एक घंटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, 10 किलोमीटर बाई 1 आवर। अगर किसी बॉडी का स्पीड दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर, इसका सिंपल सा मतलब है ये बॉडी 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है एक घंटे में। इसी तरीके से अगर किसी का स्पीड दिया गया 5 मीटर पर सेकंड, तो इसका सिंपल सा मीनिंग है ये बॉडी 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है एक सेकंड में। तो जनरल कंसेप्ट में स्पीड का मतलब ये होता है कोई बॉडी कितना तेज या कितना धीरे जा रही है, इसी को हम उसके स्पीड से डिटरमाइन करते हैं। मतलब अगर किसी बॉडी का स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और किसी का स्पीड अगर 60 किलोमीटर या 60 किलोमीटर पर आवर है, तो आप बोलोगे कि इसका स्पीड ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है एक घंटे में, ये 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है एक घंटे में। ये बेसिक कंसेप्ट है स्पीड का। सबसे ज्यादा आप इसको फेस करते हो मैथ्स के क्वेश्चन में, क्लास 6-7 में स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम के क्वेश्चंस पे हम लोग बहुत सारे सवाल को बना के आए हैं। मेरा नाम है अंकित कुमार और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा वही दर्द, बार बार दर्द, बहुत दर्द। तो इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फिजिक्स के लैंग्वेज में अगर हम बात करेंगे तो जब किसी बॉडी के स्पीड के साथ में, जनरल टर्म में स्पीड और वेलोसिटी की बात बराबर है, जनरल टर्म में अगर हम स्पीड बोले तो और वेलोसिटी बोले तो दोनों सेम मतलब है, कोई बॉडी कितना तेज जा रही है, कोई बॉडी कितना धीरे जा रही है। इन जनरल टर्म्स में दोनों क्वांटिटी सेम हो जाएगी, लेकिन अगर हम यही फिजिक्स में आ जाए तो स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस था, सिमिलरली स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस होगा, और ये डिफरेंस हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का। इसका मतलब वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी, स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी होगी। अगर किसी बॉडी का स्पीड आपसे बोला जाए 40 मीटर पर सेकेंड है, ध्यान दीजिए मीटर पर सेकंड क्यों, मीटर पर सेकंड इसलिए क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट होगा, ध्यान दीजिए जो एसआई यूनिट दोनों का होगा, दोनों सेम है। मैंने पहले बताया वेलोसिटी और स्पीड जनरल लैंग्वेज में सेम है, जनरल टर्म में, जनरल लैंग्वेज में अगर दोनों सेम है तो उसका यूनिट भी क्या होगा, सेम। तो दोनों का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, ये याद रखिएगा। और फिजिक्स के लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो अगर किसी बॉडी का स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है और किसी बॉडी का वेलोसिटी अगर 40 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब ये है कि इस 40 मीटर पर सेकंड के साथ में कोई डायरेक्शन की बात नहीं की गई है, ये किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, पर इस 40 मीटर पर सेकंड के साथ में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात की गई होगी, डेफिनेटली वहां डायरेक्शन की बात होगी। इसको भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मैथ्स में एस से, यू नो एस मतलब स्पीड, और फिजिक्स में समटाइम इसको भी से डिनोट किया जाता है, वेलोसिटी को भी से डिनोट किया जाता है, बस इसके ऊपर ये एरो मार्क किया जाता है, एरो का मतलब ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। पिछले क्लास में स्केलर और वेक्टर की वीडियो में बताना मैं भूल गया था कि वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर ये एरो का सिंबल, मतलब ओवरहेड एरो का सिंबल दिया हुआ रहता है जो उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। स्पीड और वेलोसिटी में बस सिंपल सा इतना ही डिफरेंस है। अगर हम आपसे बात बताते हैं दोबारा एक बार फिर रिकैप करें अगर इन छोटी सी चीजों को, तो देखिए
स्पीड मतलब कोई बॉडी कितना तेज जाती है कितना धीरे जाती है, इसी को हम स्पीड बोलते हैं। स्पीड बराबर, ध्यान दीजिए बच्चों, स्पीड बराबर आपको पता है होता क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। यूनिट टाइम में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, डेट इज नॉन एज स्पीड। आपको पता है डिस्टेंस क्या है, स्केलर है, इसमें कोई डायरेक्शन की बात नहीं होती, आपको पता है, इसलिए स्पीड क्या हो गया, स्केलर हो गया, ठीक है। वेलोसिटी बराबर ये आपका होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सेम वही चीज यूनिट टाइम में, मतलब एक घंटे में, दो घंटे में, तीन घंटे में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना कवर किया, इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोले या इसको हम ये बात बोले, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोले, बात बराबर है। मतलब किसी टाइम में, किसी पर्टिकुलर टाइम में उसने कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया है या डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उसी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। और आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, वेक्टर हो जाएगी। मतलब क्या, स्पीड वेलोसिटी इन जनरल टर्म में दोनों सेम है, कितना तेज, हाउ फास्ट हाउ स्लो, उसी को हम लोग स्पीड और वेलोसिटी से डिटरमाइन करते हैं। पर इन फिजिक्स में स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, इसमें डायरेक्शन की बात होती है, इसमें डायरेक्शन की बात नहीं होती है। दोनों का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड ही होता है, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड ही होता है। आइए इसके ऊपर कुछ एक दो एग्जांपल्स हम देखें, आप खुद समझ जाओगे कि सर कौन सा वेलोसिटी है कौन सा स्पीड है। परेशान होने की जरूरत नहीं, फिजिक्स में कई एक बार स्पीड को वेलोसिटी या वेलोसिटी को स्पीड भी बताया जाता है। हायर क्लासेस में स्पीड और वेलोसिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस बताया नहीं गया, जब वेक्टर्स का यूज होना शुरू होता है तभी बताया जाता है। आइए अगर एक एग्जांपल हम डालें तो ए मैन वॉक विथ 40 मीटर पर सेकेंड। अगेन एक एग्जाम्पल, ए मैन वॉक विथ 40 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड नॉर्थ। देख सकते हो एक आदमी वॉक कर रहा है विथ 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड से वॉक कर रहा है, और उसी एग्जाम्पल में 40 मीटर पर सेकेंड से ये टूवर्ड है, इसको कुछ और मत पढ़ने लगना, टूवर्ड नॉर्थ 40 मीटर पर सेकेंड से वो कहां वॉक कर रहा है, नॉर्थ में। तो आप समझ रहे हो इसमें डायरेक्शन की बात और इसमें डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है। तो ये आपका हो गया, मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा स्पीड को और ये रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी को, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। अब आपको पता है स्केलर और वेक्टर बता ही चुके हैं, ठीक है। तो वी से स्पीड को भी डिनोट करते हैं, वी से वेलोसिटी को भी डिनोट करते हैं। इन दोनों में अंतर दिखाने के लिए हम बस यहाँ पे एरो, क्योंकि ये डायरेक्शन बताएगा, ये डायरेक्शन को नहीं बताएगा। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इतना ही होता है। अब जैसा कि हमने बताया, आइए जैसा कि हमने बताया, ये ध्यान दीजिए, ठीक है, ये स्पीड है, ठीक है, ये वेलोसिटी है। स्पीड भी दो तरह का होता है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा ये नहीं, स्पीड भी दो तरह की होती है। एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड, जिसको हम लोग, इसी को दूसरे टर्म में हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। एक होता है यूनिफॉर्म, इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और कांस्टेंट का मतलब होता है जो चेंज ना हो, और नॉन यूनिफॉर्म, इसी को दूसरे लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, वेरिएबल स्पीड, इट्स अ वेरिएबल स्पीड, ठीक है। वेलोसिटी भी दो तरह की हो जाएगी, सेम भाई वही यूनिफॉर्म स्पीड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और प्यारे बंधु, हाँ बंधु, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। यूनिफॉर्म यहाँ पे आपका आ जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेम इसी को दूसरे लैंग्वेज में आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब हम ये बोले या हम ये बोले बात बराबर है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या इसी को हम बोले
वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, एक और होता है बच्चों, एक और होता है यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये इंस्टेंटेनियस बड़ा अजीब सा वर्ड है, लेकिन फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंस्टेंटेनियस का इस्तेमाल किया जाता है 11 12 में, वो भी हम थोड़ा सा इंट्रो दे देंगे। चलिए बहुत ज्यादा नहीं, बेसिकली आइए टॉपिक पे घूम के आते हैं हम। स्पीड और वेलोसिटी मैंने बता दिया। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। अब कोरोना के चलते स्कूल और सब बंद है, भारत सब बंद कर दिया गया है, तो अब करें तो करें क्या, क्लास भी नहीं खुली हुई है, सर आप भी बहुत पकाते हैं, अब काम क्या करना है, काम ये करना है, बाइक हमने उठा लिया, अब हम चले घूमने के लिए। अब घूमने के लिए जब हम जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं एक जो एक्सीलरेटर है, वो जो हमारे बाइक में एक्सीलरेटर होता है, वो उसको जब हम बढ़ाते हैं तो गाड़ी आगे स्पीड बढ़ती है। ठीक है, एक टाइम कोशिश करना कि वो एक्सीलरेटर कहीं 50 के ऊपर रहे, मतलब वो एक्सीलरेटर कहाँ रहे, 50 के ऊपर रहे, इससे ना ऊपर है ना नीचे है, सिर्फ 50 पे है, तो मतलब आपकी गाड़ी 50 की स्पीड से चल रही है, ना घटे ना बढ़े, सिर्फ 50 की स्पीड से ही चलते रहे। ये एग्जांपल बता रहे हैं, अभी इसको हम बहुत अच्छे से बता देंगे समझने के लिए। तो वो सिर्फ 50 की स्पीड से ही चलते रहे, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ना स्पीड घटेगी ना स्पीड बढ़ेगी, उस पूरे जर्नी के टाइम में, जितने टाइम के बीच की बात आप कर रहे हो, उस पूरे जर्नी के टाइम में उसका स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ना चेंज होनी नहीं चाहिए, वहां पे चेंज नहीं होनी चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वही कांस्टेंट। लेकिन अगर उस जर्नी के टाइम में आपका वेलोसिटी, सॉरी आपकी स्पीड कभी 50, कभी 40, कभी 45, कभी 50 से ऊपर, कभी 50 से नीचे, मतलब एक कांटा, वो जो ऑडोमीटर का, स्पीडोमीटर का जो वो कांटा होता है, वो काटा वो ऐसे ना हो के ऐसे 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 ऊपर नीचे ब्लिंक करता रहे, मतलब कभी 50 कभी 40 कभी 49, अगर होता रहे तो वो आपका हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि वो एक जैसे नहीं जा रही है, उसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल स्पीड, जो वैरी कर रही है, जो चेंज हो रही है हर सेकंड, वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसको भी आप वैसे ही उसी टर्म में समझ सकते हो। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी सेम 50 के 50 से ही हम जा रहे थे, लेकिन किसी, क्योंकि वेलोसिटी है तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे थे, इसमें सिर्फ डायरेक्शन की बात होगी, जो इसका कंसेप्ट वही इसका कंसेप्ट है बच्चों, लेकिन इसमें बस हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, इसमें डायरेक्शन की बात करेंगे। ये क्या चीज हो गया, ये वही चीज हो गया, वेरिएबल मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, कभी 49 कभी 45 कभी 50, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, बस इस केस में डायरेक्शन, इस केस में डायरेक्शन नहीं, काम वही है। अब इस चीज को हम बहुत डिटेल में देखेंगे एग्जांपल्स के साथ में, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको समझ में आ गया तो इसके बाद का जो टॉपिक सब है वो सब समझ में आ जाएगा, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हमारा अब अगला टॉपिक क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टेंट स्पीड। तो स्पीड को समझने का कोशिश करो, आपको वेलोसिटी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बस अंतर इतना है कि वेलोसिटी में हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे वेलोसिटी में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की। आइए पहला टॉपिक हमारे यहाँ पे बनता है, हमारे यहाँ पे पहला टॉपिक बनता है, क्या बनता है पहला टॉपिक, पहला टॉपिक हम आपके यहाँ पे बनता है, सर हमें क्या पता है क्या बनता है, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, या इसी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड, इसका डेफिनेशन, क्योंकि आपको पता है स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, इसका डेफिनेशन क्या होगा, बुक में इसकी डेफिनेशन को आपको ये बताया गया है, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इक्वल टाइम में जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब ए बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड और कॉन्स्टेंट स्पीड व्हेन इट्स कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, की आपके बुक का डेफिनेशन है। आइए इसके बारे में बात करते हैं, एक छोटे से एग्जांपल से हम बात करते हैं, ध्यान देना। ये हमारा कोई बंधु है, ये बाइक लेके, हाँ ये बाइक हार्ली डेविडसन है, ये बाइक लेके ये जा रहा है ये बंधु। इस बंधु ने क्या किया, पहले घंटे में अगर इस बंधु ने क्या किया, 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा, ध्यान देना, एक घंटे में 40 किलोमीटर गया, अगर पहले घंटे में ये कितना गया, 40 किलोमीटर गया। ठीक है सर, ये अगले घंटे में, मतलब एक घंटा इसका गया, ये अगले घंटे में भी कितना जाता है,
40 किलोमीटर ही जाता है। दो कंसेप्ट दो है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये और अगले एक घंटे में ये कितना जाता है, 40 किलोमीटर ही जाए, और एक घंटे में ये कितना जाए, 40 किलोमीटर ही जाए। तो आप देख सकते हो एक घंटा यहां भी गया, एक घंटा यहां भी, हर एक घंटे में ये कितना गया, 40 किलोमीटर ही गया। मतलब इक्वल टाइम में इसने इक्वल डिस्टेंस कवर किया, पहले घंटे में ये 40 किलोमीटर ही गया था, अगले घंटे भी 40 किलोमीटर गया था, अगले घंटे भी 40 किलोमीटर गया। तो ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड बोलते हैं। का सिंपल सा मतलब यही है बच्चों कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये इक्वल डिस्टेंस क्या करेगा, कवर करेगा। नहीं यकीन तो देख लो भैया, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, या डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहां पे ये निकलेगा कितना, 40 किलोमीटर पर आवर। यहां पर भी क्या निकलेगा, यहां पर भी निकलेगा 40 किलोमीटर पर आवर। यहां पर भी क्या निकलेगा, तो यहां पर भी निकलेगा 40 किलोमीटर पर आवर, यहां पर भी वही निकलेगा। समझ गए? इसी को एक और एग्जांपल से आप ऐसे समझ सकते हो, अगर ये पहले घंटे में 40 किलोमीटर गया, समझो ये अगले एक घंटे में, यानी कि अब टोटल घंटे में ये कितना गया, 80 किलोमीटर गया। मतलब यहां से टाइम इसका एक घंटा बढ़ा, आप देख सकते हो डिस्टेंस कितना बढ़ा, 40 का बढ़ा। ये अगले घंटे में, मतलब तीसरे घंटे, ये तीसरे घंटे की बात कर रहे हैं, तीसरे घंटे में यानी कि और एक घंटे में ये अगर 120 किलोमीटर गया, आप देख सकते हो यहां भी कितना ज्यादा गया, 40 ही ज्यादा गया। ये अगले एक घंटे में यानी कि ये चौथे घंटे में अपने कितना गया, 160 किलोमीटर गया, यहां भी ये कितना ज्यादा गया, 40 ही ज्यादा गया। तो आप यहां भी देखो टाइम एक घंटा करके बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी 40 40 40 ही करके बढ़ रहा है। मतलब ये भी कैसा केस हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड का ये भी क्या हो गया, केस हो गया। अब इसी टॉपिक में हम आपको बता देते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, इसी टॉपिक में हम आपको ये बता देते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा। सेम चीज, यही चीज, यही एग्जांपल, लेकिन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब ये समझ में आ रहा है, ये चीज आपकी स्वाभाविक रूप से क्लियर हो जाएगी, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। क्यों, इसमें डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, इसमें डायरेक्शन की बात करेंगे। आइए दोबारा समझिए, एक घंटे में वो 40 किलोमीटर कहां गया, ईस्ट में गया। सर उसका मन था ईस्ट में जाने का। अगले घंटे में ये जो 40 किलोमीटर जा रहा है, ये भी कहां जाना चाहिए, ईस्ट में ही जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं हम चले उल्टा गंगा बहाने के लिए, नहीं राम तेरी गंगा मेली नहीं करना है यहाँ पे। अगले घंटे में भी ये कहां गया, ईस्ट में ही गया। मतलब यहाँ पे उसी डायरेक्शन में ये जाएगा, डायरेक्शन यहाँ पे चेंज नहीं होगा, सेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी, चाहे ये चाहे ये, इसमें कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। दूसरा यहाँ पे आपका आ जाता है दूसरा, चलिए सर हम क्यों मिटाए, हम यहीं पे आपको समझा देते हैं, हम यहीं पे आपको समझा देते हैं। दूसरा आपका आ जाएगा नॉन यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल स्पीड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल स्पीड बोलते हैं। अब यहाँ पे हम आपको समझाते हैं, चलिए बहुत अच्छे से समझाते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। अब इसको समझने के लिए आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल स्पीड सेम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये कोई बंदा था, ये भाग रहा था बंदी के साथ ही भाग रहा था, ये कोई बंदा था, ये भाग रहा था, पहले घंटे में ये गया कितना, 40 किलोमीटर, ठीक है। ये अगले एक घंटे में कितना, अगले एक घंटे में, नेक्स्ट एक घंटे में ये गया कितना, 30 किलोमीटर। अब इसका कुछ खाने पीने का मन किया, ये थक गया, ये बोलता नहीं यार अब वैसे नहीं जाएंगे, अब थोड़ा कम डिस्टेंस कवर करते हैं, होले होले जाते हैं, होले होले से निकल रहा था, और अगले घंटे में कितना गया, 20 किलोमीटर। तो आप देख सकते हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ये जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ये इक्वल डिस्टेंस यहाँ पे कवर नहीं कर रहा है, या तो घट रहा है या तो बढ़ रहा है, या तो बढ़ सकता है। ये देखो अब इसको जोश आ गया ज्यादा, आज सत्तू पी के, सत्तू पियेंगे, सत्तू पीने के लिए एक घंटे में ये 50 किलोमीटर चला गया, ध्यान दो। तो बच्चा यहाँ टाइम तो इक्वल था लेकिन डिस्टेंस इक्वल नहीं था। मतलब यहाँ पे अगर देखोगे ये बाई ये, तो ये निकलेगा 40 किलोमीटर पर आवर, ये निकलेगा कितना, 30 किलोमीटर पर आवर, ये निकलेगा कितना, 20 किलोमीटर पर आवर, ये निकलेगा कितना, 50 किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ पे यही स्पीड जो चेंज हो रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल स्पीड। सेम वेरिएबल स्पीड का सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि भैया अगर आपसे पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द वेरिएबल स्पीड, तो डेफिनेशन ये बताया गया है, ए बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड व्हेन इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस
इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इक्वल टाइम में ये इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड, या जिसकी स्पीड चेंज होते रहे हर जगह पे, जिसकी स्पीड क्या हो चेंज होते रहे। सेम अब यही कंसेप्ट आपका इसमें आपका आ जाएगा क्या, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की जगह पे हम अगर आपको यहाँ पे क्या बताए वेलोसिटी बता दें तो आप समझ ही गए ना सर अब किसकी बात कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं उसी स्पीड की जिसमें क्या हो कोई डायरेक्शन हो, किसी डायरेक्शन में वो भाग रहा था और उसका जो डिस्टेंस था वो अनइक्वल था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मेरे ख्याल से यहाँ पे समझ में आपको आ गया बहुत अच्छे से, ठीक है, कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, तो बहुत बेटर तरीके से आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और ये दो टॉपिक बस इतना ही, इतना इससे ज्यादा नहीं। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसे ही स्पीड से वो जाएगा, स्पीड वहां पे चेंज नहीं होगी, उसी को दूसरे टर्म में समझाया गया कॉन्स्टेंट स्पीड। और यूनिफॉर्म मतलब कॉन्स्टेंट स्पीड बच्चों, ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब वहां पे क्या होगा कि वेरिएबल वेरी करेगा, चेंज होता रहेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। वेलोसिटी में स्पीड की ही बात हो रही है लेकिन उसमें क्या है एक डायरेक्शन की बात हो रही है, मतलब वो स्पीड जिसमें डायरेक्शन हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक और सिलेबस में आपको दिया हुआ है आईसीएसई के क्लास 8-9 में, ये एक छोटा सा टॉपिक और दिया हुआ है इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात होती है। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट क्या होता है उसको समझो। इंस्टेंट का मतलब ऐसे तो कुछ भी नहीं होता है, और ऐसे देखा जाएगा इंस्टेंट का मतलब बहुत छोटा छोटा, बहुत छोटे की बात होगी, बहुत छोटे की बात होगी, इतने छोटे की बात होगी मतलब बहुत कम समय की बात होगी। जब भी इंस्टेंट का हम बात करते हैं तो बहुत थोड़े समय का बात करते हैं, मतलब बहुत थोड़े समय में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। होता क्या, आइए एक बार फिर समझते हैं। आपको पता है स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो हमने क्या बताया, हमने बताया स्पीड का यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। बुक में आपको क्या मिलेगा, किलोमीटर पर आवर भी मिलेगा। ठीक है, तो 1 सेकंड की बात कर रहे थे, मतलब 1 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस किया वो मीटर में हो रहा है, 1 घंटे में ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको हम किलोमीटर में देख रहे हैं। लेकिन इस 1 सेकंड से भी कम समय में जिसको बोलते हैं इंस्टेंट, मतलब बम गिरा है नहीं कि वो फूट गया, ध्यान दो, हम बम गिराते हैं तो क्या 1-2 सेकंड के बाद फूटता नहीं, बम गिरा है नहीं कि वो फूट गया, इंस्टेंट मतलब जो तुरंत हो जाए, मतलब सेकेंड से भी कम समय में। ठीक है, ऐसे इंस्टेंट बोल के कितना कम होता है ये आपको कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत कम समय में जिस स्पीड की बात करते हैं हम उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। और वही बहुत कम समय में जिस वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो आपका हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आज के टॉपिक में बस इतना ही, स्पीड और वेलोसिटी का अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ा के एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन भी 2 पार्ट में, एक हो गया यूनिफॉर्म एक हो गया नॉन यूनिफॉर्म, और बहुत अच्छे तरीके से ये अगर क्लियर हो जाएगा तो आपको इसका ग्राफ समझा दिया जाएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए देखते रहिए हमको, नहीं किताब को पलट के देखते रहिए। ठीक है, गुड डे, ऑल द बेस्ट।